हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज इस साड़ी का मैं आपको गाउन बनाना बता रही हूँ। इस गाउन को मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। ये मैंने टू पीस में बनाया है। इसमें चोली मैंने अलग बनाई है, नीचे बॉक्स प्लेट लगाई हुई है और इसमें मैंने नेट का कपड़ा लगा के बॉर्डर बनाया है। ये भी मैंने खुद ही बनाया है, बॉर्डर तैयार किया है, जिससे आपको काफ़ी रीजनेबल पड़ जाता है। और इसके साथ मैंने ये एक चुन्नी भी बनाई है, जिससे आप चाहें तो इसे सूट के रूप में, जो आजकल फ्लोर लेंथ सूट चल रहे हैं, उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप दुपट्टा हटा दें तो आप इसे गाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और चुन्नी में मैंने सिंपली एक बॉर्डर लगाया है, जैसे मैं साड़ी के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, उसी तरीके से मैंने दुपट्टे में बॉर्डर लगाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, ये साड़ी है और ये लाइनिंग का कपड़ा है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसका ये नाप है जिसे मैं गाउन बना रही हूँ। फुल लेंथ इसमें 56 है, चोली मैं इसमें 16 इंच की बनाऊँगी, जिससे ये माइनस होके जो नीचे का बॉक्स प्लेट का जो आएगी लंबाई, वो 14 इंच है। चेस्ट 40 है, नेचुरल बेस्ट 38 है, शोल्डर 14 है। ये फुल गाउन है। ये देखिए, ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसमें से मैंने चोली के लिए कपड़ा निकाल लिया है। सबसे पहले हम इसे फोर फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद मैं इसे फ्रंट में से सबसे ऊपर से एक लेंथ खींच के इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगी। और सबसे पहले हम इसमें लंबाई लेंगे, लेंथ। ये देखिए, ये मैंने 17 पे निशान लगाया है, क्योंकि हमें जो चोली है वो 16 इंच की तैयार चाहिए। यहाँ पर मैं इसे 17 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसमें शोल्डर लेंगे। शोल्डर जो 14 थे, इसलिए हाफ 7 इंच, और आर्म होल के लिए भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, 7 इंच लेने के बाद हम यहाँ पर चेस्ट की लंबाई लेंगे। चेस्ट जितना है उसका मुझे फोर्थ पार्ट लेना है। उसके बाद मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, या नीचे से जो नेचुरल वेस्ट है, नेचुरल वेस्ट में मैं 1 इंच प्लस करती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ टक्स लगाने रहते हैं। यहाँ टक्स लगाएंगे 1 इंच की, तो इसलिए मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। ये देखिए, और यहाँ से हम इसे इस तरह से कर्व कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसमें टक्स भरूँगी तो ये शेप में बिल्कुल जो गाउन का शेप होता है उस तरह से आ जाएगा। ये फ्रेंच कर्व है, जिससे मैंने आर्म होल की मैंने इसमें कटिंग फिटिंग दी है, ड्रॉ किया है। और ये फ्रंट के पार्ट के लिए, ये मैंने फ्रंट के पार्ट के लिए इसमें ड्रॉ कर लिया है आर्म होल के लिए। और राउंड भी मैं ये फ्रेंच कर्व से बना लेती हूँ। आपको जैसा भी गला बनाना है आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं राउंड शेप में गला बना रही हूँ, और ये मैंने 6.5 इंच का बनाया है फ्रंट में गला। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। शोल्डर पे मैंने 1/2 इंच की शेप दी है, और मैं इसकी अब कटिंग करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसमें से फ्रंट का पार्ट अलग कर देंगे, बैक का पीस इसमें से मैं निकाल दूँगी। ये मैं इसमें सबसे पहले आपको टक्स के लिए बता देती हूँ। शोल्डर से हमें इंच टेप को रखकर जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पर एक निशान लगाना है। मैंने 11 इंच पे लगाया है, और यहाँ से मैं 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। 4 इंच पे मैंने ये मार्जिन लगाया है, और जो हम टक्स लेंगे वो 1 इंच की लेंगे। ये देखिए, ये मैंने जो बस्ट पॉइंट पे 11 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ से हमें एक टक्स भरनी है। तो जो 1 इंच की टक्स भरते हैं उसे मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है 1/2 इंच, और यहाँ से मिला देंगे। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट में और बैक पीस में दोनों जगह, दोनों पर्दों में टक्स लगानी है। और ये आर्म होल पे हमें फ्रंट में शेप देनी है। ये मैं इसमें से बैक का पार्ट अलग कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से नेक की कटिंग कर लूँगी।
और इसमें आर्म होल की शेप भी दे दूंगी। ये देखिए मैंने आर्म होल की शेप की कटिंग कर दी है। इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट तैयार है। बैक पीस में हम डीप नेक बनाएंगे, तो इसकी मैं आपको एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है जिसमें मैंने बैक में जो डिज़ाइन बताया है, जो बनाया है वो बताया है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं जो नीचे का घेर है उसके लिए मैं लाइनिंग के कपड़े में से पहले कपड़ा निकालूंगी। ये देखिए हम सबसे पहले यहाँ इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लेंथ लेंगे, तो जो नीचे लेंथ लेनी है मुझे वो 40 लेनी है कंप्लीट, इसलिए मैं यहाँ इसे 2 इंच कम ले रही हूँ 38, ताकि ये रेडी होके 2 इंच और कम हो जाएगा तो 36 का आ जाएगा। ये लाइनिंग का कपड़ा जो है, यहाँ से मैं ए लाइन में शेप निकालूंगी। यहाँ से हम नेचुरल वेस्ट जो है वहाँ से कमर की लंबाई का चौथा हिस्सा, कमर में जो चौड़ाई है उसका चौथा हिस्सा ले रहे हैं। 11th ही हमारा जो चोली की कमर थी वो आया था। यहाँ से मैं इसे मिला दूंगी नीचे लंबाई में, और यहाँ जो नीचे कॉर्नर आता है यहाँ पर हम एक शेप देते हैं इस तरह से। ये 1 इंच की शेप है जिससे कोने नहीं लटकते हैं कॉर्नर, और ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये ए लाइन का सिंपली एक पेटीकोट जैसा कटिंग हुई है जो अंदर घेर के अंदर हम लगाएंगे। और मैंने जो साड़ी है उसके ऊपर मैंने ये दोनों पीस रख कर इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए बैक पीस जो चोली है उसकी मैंने कटिंग कर ली है साड़ी में से, और ये जो स्लीव्स निकाल रही हूँ मैं, मैंने साड़ी के कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है। 4 फोल्ड करने के बाद हम लेंथ लेंगे। मैं 18 इंच की स्लीव्स बनाऊंगी, तो मैंने 19 इंच ली है। 19 इंच लेने के बाद जो नाप है चेस्ट का उस हिसाब से यहाँ मैं 9.5 इंच की स्लीव्स निकाल रही हूँ, जिसमें से 1.5 इंच का मार्जिन भी है, 1.5 का मार्जिन है। यहाँ हम 3 इंच लेंगे और 1.5 इंच की लाइन खींच के यहाँ से एक शेप देंगे स्लीव्स के लिए, और फ्रंट के हिस्से के लिए भी हम यहाँ एक शेप लगा रहे हैं। ये देखिए ये लीफ के आकार का एक शेप बनाया जाता है स्लीव्स में, और जो स्लीव्स का बॉर्डर है बॉटम है वहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन रख के निशान लगाएंगे, जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से। ये देखिए ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम सिलाई देंगे। जो ये डॉटेड निशान लगाया है ये हमारा नाप है, और ये इसमें इतना मार्जिन रहेगा। ये देखिए ये इसकी कटिंग कर ली है स्लीव्स की। यहाँ पर मैं आगे का शेप दूंगी स्लीव्स में। यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लेना है। अब इसे आप खोल लीजिए। खोलने के बाद हम फ्रंट का शेप देंगे, और ये गाउन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये चारों पार्ट जो चोली है, स्लीव्स है, और नीचे जो घेर का लाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने चोली के दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ, और ये बैक का पीस कंप्लीट है। बैक पीस के लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने जो बैक में डिज़ाइन डाला है उसका मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और मैंने ये दोनों पर्दों में, फ्रंट और बैक पीस में, मैंने ये टक्स लगा लिए हैं। ये आगे का गला भी मैंने उसी तरीके से बना लिया है जैसे पीछे का बनाना बताया था, ये मैंने बिना कैनवास के बना लिया है। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे, जिस तरह से मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ। ये शोल्डर अटैच करने के लिए हम फ्रंट पार्ट के पर्दे की पट्टी को आगे करके पीछे का पर्दा रखते हैं, और इसे इसके ऊपर फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम शोल्डर जब जॉइंट करते हैं तो जो शोल्डर जॉइंट करने के बाद कॉर्नर से जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा वो नहीं दिखता है। ये देखिए ये जो आगे के पर्दे का जो पट्टी होती है वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाती है। ये देखिए इसी तरह से मैं दोनों शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। ये दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। आगे आपको पट्टी में अंदर तुरपाई करनी है। अब मैं यहाँ स्लीव्स लगा रही हूँ,
और ये मैं स्लीव्स लगा रही हूँ इसमें। अभी मैंने स्लीव्स ये प्लेन रखी है, यहाँ पर हम बॉर्डर बाद में अटैच करेंगे। ये स्लीव्स लगाने के बाद हमें स्लीव्स के बॉटम फोल्ड करने हैं। ये स्लीव्स के बॉटम मैंने फोल्ड किए हैं और इस तरह से ये चोली अभी कंप्लीट है। इसका बैक पीस बन चुका है जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रंट का स्लीव्स अब हम इसमें नीचे जो घेर है उससे बनाएंगे। तो जो नीचे मैंने ए लाइन का निकाला था पेटीकोट जैसा, उसे हम जॉइंट करेंगे साइड से। ये देखिए ये टू पीस हैं, सिर्फ एक साइड से मैं इसे जॉइंट कर रही हूँ अभी। ये एक साइड से जॉइंट करने के बाद हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम मैंने ये देखिए ये एक्स्ट्रा रखा था, इसे हम 1.5 इंच जितना फोल्ड कर लेंगे। ये बॉटम फोल्ड हो चुका है। अब हम इसमें जो साड़ी है उससे हम इसमें बॉक्स प्लेट लगाएंगे। बॉक्स प्लेट लगाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम इसे लाइनिंग के कपड़े के ऊपर साड़ी का कॉर्नर रख के इसे पिन से अटैच करेंगे। इस तरह ये दोनों कॉर्नर अटैच हो चुके हैं। अब हम बॉक्स प्लेट बनाकर सबसे पहले हम पूरे पर्दे में पिन से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये बॉक्स प्लेट एक नाप की हम कैसे लगाते हैं। ये मैंने एक 4 इंच का एक कार्डबोर्ड लिया है, इसे मैंने सेंटर से एक निशान भी बना लिया है। सबसे पहले आप इसे इस तरह रखिए, चौक से निशान लगाइए। अब इतना कपड़ा अंदर फोल्ड करिए, ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड करके यहाँ पकड़िए। उसके बाद यहाँ पर वापस से आप ये बोर्ड लगाइए, कार्डबोर्ड, यहाँ चौक से निशान बनाइए और इतना कपड़ा वापस अंदर फोल्ड किए। दोनों की जो दिशाएं हैं वो अपोजिट हैं, ये देखिए हमें अंदर से इन दोनों को चिपका देना है। ये देखिए इस तरह आप एक नाप की बॉक्स प्लेट लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आप जो भी नाप का आप कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे उसी नाप से आप पूरी साड़ी में बॉक्स प्लेट लगा सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए मैंने उसी तरीके से पूरी साड़ी की बॉक्स प्लेट लगा दी हैं, जितना मेरा लाइनिंग का कपड़ा था, जितनी वेस्ट थी वो पूरी मैं लगा चुकी हूँ। और अब हम इस पर ये सिलाई मशीन से एक सिलाई ले लेंगे जिससे हमें चोली अटैच करने में हेल्प रहे। ये देखिए पिन निकालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए ये जॉइंट हो चुका है दोनों कपड़े और ये बॉक्स प्लेट पूरी देखिए बिल्कुल एक नाप की फिनिशिंग के साथ आ गई हैं। और यहाँ पर मैंने ये जो बॉटम में फोल्ड कर लिया है कपड़ा, यहाँ पर हम ये बॉर्डर लगाएंगे। ये बॉर्डर मैंने नेट के कपड़े के दोनों साइड एक दूसरा बॉर्डर लगाया है और हम इसे सिंपली डबल सिलाई लगा के अटैच कर देंगे दोनों साइड। ये बहुत आसान है, ये देखिए मैंने लगा लिया है। क्योंकि ये कोई ओरेव नहीं है, आपको सिंपली दोनों साइड सिलाई लगानी है, ये देखिए। और ये पूरे बॉर्डर में मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम जो कपड़ा हमने बॉर्डर पे लगाया है उसी तरीके से बॉर्डर हम स्लीव्स पर लगाएंगे। तो जो मैंने बॉटम में लगाया है बॉर्डर वो काफ़ी चौड़ा है, ब्रॉड है, इसलिए मैंने उसका हाफ बॉर्डर तैयार किया है स्लीव्स के लिए। यहाँ पर भी हम सिंपली 2 सिलाई लगाएंगे और ये लगा देती हूँ मैं। ये देखिए ये स्लीव्स पर मैंने अटैच कर दिया है बॉर्डर। अब ये सिर्फ हमें जॉइंट करना है चोली को। ये देखिए दोनों स्लीव्स तैयार हैं। और ये चोली जो है इस पर मुझे नीचे जो मैंने घेरा बनाया है उसे अटैच करना है। उसका सबसे अच्छा तरीका है आप इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लीजिए। आपको आगे और पीछे बैक के भी पर्दे में सेंटर पॉइंट लेना है और यही सेंटर पॉइंट आपको नीचे वाले उसमें लेना है, नीचे जो घेरा है उसमें। ये देखिए
ये जो लेंथ है इसमें जो 38 इंच की मुझे वेस्ट रखनी है वो नाप के एक्स्ट्रा मैं मार्जिन जो होता है वहाँ पर निशान लगा दूंगी चौक से। यही तरीका मैं नीचे घेरे में करूँगी। ये देखिए दोनों सेम हैं, यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है दोनों का, लेकिन हमारा घेरा एक साइड से जॉइंट है और एक साइड से ओपन है। इसके लिए मैं जो दूसरी साइड है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखिए आप, ये छोटा सा जो कट लगाया है मैंने, यहाँ से हम दोनों पर्दे आगे के और पीछे के पर्दे से पीछे का पर्दा जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, और उसके बाद हम ये जॉइंट करने के बाद बिल्कुल सिंपली एक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जिस तरह हम सूट वगैरह में लगाते हैं। मैं आपको ये सिलकर बताती हूँ। ये देखिए, ये आगे का पर्दा मैंने जॉइंट किया है, अब मैं ये दूसरा पर्दा जो है ये भी पीछे घेरे के पर्दे से जॉइंट कर रही हूँ। हम सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाएंगे और ये इस तरह जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, ये सबसे सिंपल तरीका है, आप इसे बिल्कुल इजीली फॉलो करें। और यहाँ से मैंने जो भी आपकी फिटिंग है उस तरीके से मैंने अपना नाप लेके ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और यहाँ हमने छोटा सा कट लगाया था, बस वहाँ पर हमको ध्यान रखना है, यहाँ से हमें नीचे हल्का सा तिरछा लेते हुए सिलाई देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी बिल्कुल मैंने स्लीव्स पे से सिलाई लेते हुए फिटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए वहाँ पर मैंने नीचे सिलाई दे दी है। ये तैयार है गाउन, आप देखें ये इतना खूबसूरत बनता है। आप घर में बनाएंगे तो ये स्लीव्स पे भी वही बॉर्डर है। नेक पे मैंने कोई डिज़ाइन नहीं लगाया है क्योंकि मैंने इसमें बैक में डिज़ाइन लगाया है, इसलिए आगे से ये सिंपल है और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत रीजनेबल पड़ेगा। आप किसी भी प्लेन पीस का आप ये बना सकते हैं गाउन। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।